सभी को नमस्कार। मैं आपका साथी मनीष देव आज सामाजिक विज्ञान कक्षा 9 इतिहास के पाठ संख्या 4 वन्य समाज और उपनिवेशवाद पर अपने विचार रख रहा हूँ, जो इस प्रकार है। प्यारे छात्रों, ये जो पाठ है ये 4 भागों में विभक्त है और इन 4 भागों में हम इस पाठ को कोशिश करेंगे लगभग सारे पहलू इसमें आ जाएं। पहला जो भाग है वो वन विनाश और उसके कारणों पर है, दूसरा भाग है वो व्यावसायिक वानिकी पर है, और तीसरा जो भाग है वो वन विद्रोह, और चौथा जो खंड है इसका वो जावा के जंगलों में हुए परिवर्तन के बारे में। तो शुरू करते हैं आज का पाठ, वन्य समाज और उपनिवेशवाद। तो जैसा आप पाठ का शीर्षक देखकर समझ गए होंगे कि ये पाठ दो भागों में विभक्त है, दो इसके परिभाषाएं सामने आ रही है शीर्षक के साथ, वन्य समाज और उपनिवेशवाद। वन्य समाज का अभिप्राय है एक ऐसे सामाजिक परिवेश से जो वनों से जुड़ा हुआ है, उसमें वनवासी भी आ गए, उसमें वनस्पति भी आ गई, उसमें वन्य प्राणी भी आ गए। और उपनिवेशवाद का जो अभिप्राय है वो भारत और अन्य देशों में जो उपनिवेशिक व्यवस्था रही, दूसरे देशों का जो हमारे यहाँ पर आर्थिक रूप से और राजनीतिक रूप से जो नियंत्रण रहा, उसका क्या प्रभाव पड़ा, वो सब इस पाठ में दिया गया है। तो हम देखते हैं कि बहुत सारी वस्तुएं जो हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देखते हैं, जैसे कागज़ है, फर्नीचर है, मसाले हैं, गोंद है, शहद है, कॉफ़ी है, चाय है, रबड़ है, या और भी बहुत सारी वस्तुएं हैं, उनमें से अधिकांश हमें वनों से ही प्राप्त होती है। और आज भी हम बहुत सारे उत्पाद वनों से ही प्राप्त हुए उत्पादों के ही किसी ना किसी रूप में उपयोग करते हैं। वनों में वनस्पतियां भी होती हैं, पशु पक्षियों की अलग अलग प्रजातियां भी निवास करती हैं, और कई प्रजातियां तो ऐसी हैं जो लुप्त होने के कगार पर पहुंच चुकी हैं, कुछ वनों में अभी भी पाई जाती हैं। ये पाठ जब हम देखते हैं तो ये पता लगता है कि औद्योगिकरण के काल में जो वन है वो धीरे धीरे कम होते गए। 1700 से लेकर 1995 के बीच 139 लाख वर्ग किलोमीटर वन, जो कुल क्षेत्रफल के 9.3% भाग थे, उनका उपयोग अलग अलग प्रकार से किया गया, जिसमें अधिकांश औद्योगिक इस्तेमाल के लिए, कृषि के लिए, ईंधन के लिए, इन जंगलों को धीरे 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 करके साफ कर दिया गया। या आप ये कह सकते हैं कि वनों की जो कटाई है वो बहुत अधिक संख्या में हो गई। अब हम मोटे मोटे रूप से इन वन विनाश के कारणों पर आते हैं। तो ये जानना जरूरी है कि वन विनाश का अभिप्राय क्या है। तो बहुत सरल सी परिभाषा है कि वनों के प्राय लुप्त होने को ही सामान्यतः वन विनाश कहते हैं। वनों के प्राय लुप्त होना अर्थात वनों का धीरे धीरे गायब हो जाना। तो गायब कैसे होंगे वन, लुके तो जाएंगे नहीं, इन वनों को काटा गया, किसी न किसी रूप में काटा गया। तो कैसे काटा गया, जैसे भारत और जावा, इस पाठ में हमें भारत के बारे में और जावा के बारे में दोनों दिया गया है। तो इनमें औपनिवेशिक काल में वनों का जो कटाई का काम है वो कृषि योग्य भूमि का विस्तार करने के लिए, रेलवे का स्लीपर बनाने के लिए, बागान के लिए, जहाज निर्माण के लिए, इमारती लकड़ी अर्थात टिम्बर के लिए, और युद्ध में छिपने आदि के लिए किया गया। अब इसमें मोटे रूप से 3 जो बड़े कारण हैं, उसमें पहला जो है कृषि भूमि का विस्तार है। कृषि भूमि का विस्तार का अभिप्राय होता है कि
जो ब्रिटिश लोग भारत में आए उनका ऐसा मानना था कि जो जंगल हैं वो उन्हें कुछ दे नहीं रहे हैं। कहने का अभिप्राय यह है कि जंगल से उन्हें फायदा नहीं हो रहा है। तो फायदा किससे हो सकता था? फायदा हो सकता था भू राजस्व से। तो भू राजस्व कैसे प्राप्त होगा? भू राजस्व प्राप्त होने के लिए कृषि योग्य भूमि चाहिए। तो इसलिए कृषि योग्य भूमि विस्तार करने के लिए वनों को धीरे धीरे काटा जाने लगा। और प्यारे बच्चों, आप ये भी जानते होंगे कि औपनिवेशिक शासन के दौरान कई सारी व्यावसायिक फसलों का भी प्रयोग और उनका बढ़ावा भारत में शुरू कर दिया गया था। जैसे जूट है, कपास है, गन्ना है, नील भी आपने पढ़ा होगा, इन आदि को धीरे धीरे, इन फसलों को धीरे धीरे बढ़ावा दिया गया। और जैसे जैसे जनसंख्या वृद्धि होती गई, खाद्यान्न उत्पादन की जो फसलों की मांग है वो भी बढ़ी और राजस्व का लाभ प्राप्त करने के लिए भी वनों को काटा गया। तो हम समझ सकते हैं कि ये वो मुख्य कारण थे जिनमें कृषि के लिए इन जंगलों को काटा गया। ये दूसरा मुख्य कारण रेलवे के स्लीपर के लिए। स्लीपर आप समझते होंगे, वो लकड़ी का एक टुकड़ा होता है। जब रेलवे लाइन का भारत में कार्य शुरू हुआ था, आप सभी जानते हैं कि 1850 के दशक में भारत में रेलवे की जो लाइन है वो बिछाने का कार्य शुरू हो चुका था। और 1853 में आप सभी जानते हैं कि बम्बई से लेके थाने तक पहली रेलगाड़ी भी चलाई गई थी। और भारत में रेलवे एक ऐसा बड़ा नेटवर्क है जिसका आज भी भारत की ज़्यादा से ज़्यादा जनसंख्या उपयोग करती है। लेकिन बड़ी आश्चर्य की बात है कि उस समय इस रेलवे का जब निर्माण हो रहा था, रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, तो उस समय बहुत अधिक संख्या के अंदर पेड़ काटे गए। ये एक आंकड़ा है कि 1850 के दशक में रेल लाइन शुरू करने के साथ ही जब रेलवे स्लीपर की आवश्यकता हुई, तो एक आंकड़ा ये बताता है कि प्रति वर्ष 35,000 पेड़ स्लीपर के लिए काटे जा रहे थे। आश्चर्य की बात है कि इतने अधिक संख्या के अंदर जो पेड़ हैं उन्हें रेलवे के लिए काटा जा रहा था। तो केवल भारत में ही नहीं, अन्य देशों में भी जहाँ उपनिवेश थे, जब जावा का हम आगे पढ़ेंगे, वहाँ पर भी ऐसा ही है कि स्लीपरों के लिए रेलवे के निर्माण का जब काम हो रहा था, तो रेलवे के स्लीपर की जब जरूरत होने लगी तो उन पेड़ों को काटा गया। ये आप देख सकते हैं किस तरह से पेड़ों की कटाई दिखाई गई है। 1927 में छोटा नागपुर में साल के तनों से स्लीपरों का निर्माण जो किया जा रहा है, तो बड़े बड़े ये वृक्ष नजर आ रहे हैं आपको और इनकी कटाई की जा रही है। ये नजर आ रहा है आपको हाथी, बड़े बड़े बीम लकड़ी के लेके इनका मजदूरों के उपयोग से काम कराया जा रहा है। ये रंगून के लकड़ी गोदाम में लकड़ी की शैतीर को ले जाते हुए हाथी का चित्र है। और ठीक इसी प्रकार के जो दृश्य हैं वो भारत में भी देखने को मिलते थे। ये भी आप देख सकते हैं, ये बड़े बड़े लट्ठे हैं और इनका आज भी जिस तरह से औपनिवेशिक काल में उपयोग होता था, आज भी होता है। तीसरा जो वन विनाश का बड़ा कारण था वो था बागान या बागान निर्माण। अब आप सोच रहे होंगे कि बागान से क्या अभिप्राय है, बाग बगीचे और बागान मिलते जुलते शब्द हैं। लेकिन दरअसल बागान पंक्तिबद्ध रूप से एक ही प्रकार की जो व्यावसायिक फसल है उनको उगाने के लिए जो स्थान होता है उन्हें कहा जाता है। पंक्तिबद्ध रूप से एक ही प्रकार की फसलों को व्यवस्थित रूप से लगाना बागान कहलाता है। और इनमें जो भारत में फसलें ब्रिटिश लोगों ने चुनी थी, उनमें से खास तौर से चाय, कॉफ़ी, रबड़ ये थे। कारण ये था कि चाय, कॉफ़ी, रबड़ जैसी फसलों की जो मांग है वो वैश्विक बाजार में बढ़ती जा रही थी। और ब्रिटिश लोग इतने समझदार थे, या आप कह सकते हैं बहुत होशियार थे, कि उन्होंने इन फसलों का वाणिज्यिक उपयोग जो है अपने लाभांश के लिए, अपने लाभ के लिए किया। उत्पादन भारत में किया जा रहा था या अन्य उपनिवेश में किया जा रहा था, और उसका एक तरफा जो लाभ है वो ही लोग लेते थे। और सबसे मजे की बात यह है
कि इन बागानों में काम करने के लिए श्रमिक भी इन्हीं देशों के होते थे और धीरे 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 इन बागानों के जो मालिकाना अधिकार हैं वो यूरोपीय बागान मालिकों को सौंप दिए गए। आप ये कह सकते हैं कि धीरे 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 इन बागानों के मालिक यूरोपीय बन गए थे और सारा लाभ उन्हीं के द्वारा ही कमाया जाता था। ये उस समय जब औपनिवेशिक काल था तो चाय का एक विज्ञापन यहाँ पर दिया गया है, प्लेजर चाय उस समय काफ़ी फेमस थी। आज तो आप ताजमहल है, टाटा है और भी ब्रांड नेम देखते हैं और उन चाय को पीने का आनंद लेते हैं, लेकिन बड़े आश्चर्य की बात है कि उस समय भी चाय का उत्पादन होता था और उसका व्यापार बहुत ही तेजी से किया जाता था। अब दूसरे सेक्शन में हम आते हैं इस पाठ के, जिसका नाम है व्यावसायिक वानिकी। व्यावसायिक वानिकी का सीधा अभिप्राय ये है कि उन फसलों का चयन करना या उन पेड़ों का चयन करना जिनका एक प्रकार से वाणिज्यिक लाभ ब्रिटिश लोगों को मिलता था, उन फसलों को एक व्यवस्थित रूप से भारत में उगाए जाना शुरू किया गया। और ये जो काम था इसलिए भी ज़रूरी हो गया था कि जैसा अभी आपने देखा कि रेलवे का विस्तार हो रहा था, स्लीपर्स का निर्माण किया जा रहा था, तो वृक्षों की कटाई जो धीरे धीरे बढ़ रही थी उससे ब्रिटिश लोगों को ये चिंता होने लगी कहीं ये हाल ना हो जाए कि हमें आगे आने वाले समय में जो है बहुत सारे जो पेड़ हैं उनकी कमी को देखना पड़े, जूझना पड़े। तो ये चिंता उनको अक्सर सताती थी। तो इसका समाधान ढूंढने के लिए उन्होंने जर्मन विशेषज्ञ ड्राइटिच ब्रैंडिस को भारत बुलाया और भारत में 1864 में भारतीय वन सेवा इंडियन फॉरेस्ट सर्विस की स्थापना हुई। ठीक एक वर्ष बाद अर्थात 1865 में भारतीय वन अधिनियम भी बनाया गया। भारतीय वन अधिनियम अर्थात पहला जंगलों से जुड़ा हुआ कानून, जिससे जंगलों की संख्या किस प्रकार की होगी, किस प्रकार के वृक्ष होंगे, किन लोगों को जाने की अनुमति होगी इत्यादि व्यवस्थाएं इसमें तय की गई। वैज्ञानिक वानिकी व्यावसायिक वानिकी का ही एक व्यवस्थित रूप हम कह सकते हैं, जिसमें वन विभाग द्वारा पेड़ों की कटाई, जिसमें पुराने पेड़ों को काटकर उनकी जगह नए पेड़ लगाए जाते थे, अर्थात जिन पेड़ों की कटाई अधिक हुई वो कट चुके हैं तो उनका स्थान लेने के लिए नए पेड़ों को लगाया जाता था। और ये पेड़ अक्सर वही पेड़ होते थे जिनका उपयोग ब्रिटिश लोगों द्वारा किया जाता था। तो 1906 में देहरादून में इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई, जहां वैज्ञानिक वानिकी का अध्ययन करवाया जाता था। 1906 में देहरादून में इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना हुई और यहीं पर वैज्ञानिक वानिकी का अध्ययन करवाया जाता था। आप देख सकते हैं एक बागान का दृश्य और है, ये कांगड़ा के एक देवदार बागान दिखाए गए हैं जहां पर ये वृक्ष दिखाए गए हैं। वनों की श्रेणियां आप समझ गए होंगे कि जब वन अधिनियम भारत में लागू किया गया तो वनों को कैटेगराइज्ड किया गया, वनों की अलग अलग श्रेणियां बनाई गई। 1865 का जो अधिनियम आया था उसका दो बार संशोधन हुआ, पहली बार 1878 में और दूसरी बार 1927 में। तो 1878 में इन वनों को तीन श्रेणियों में बांटा गया था। तो ये तीन श्रेणियां कौन सी थी? पहली थी आरक्षित वन, दूसरे थे सुरक्षित वन और तीसरे थे ग्रामीण वन। आरक्षित वन वे वन होते थे जिन्हें सबसे अच्छे जंगल कह सकते हैं, यहाँ गांव वालों को जाना निषेध था, गांव वाले यहाँ नहीं जा सकते थे। सुरक्षित वन वे वन होते थे जो गांव वाले परमिट लेके जा सकते थे, और ग्रामीण वन वे वन होते थे जो गांव के निकट के छोटे जंगल हैं जहाँ अपने आम काम के लिए, छोटी मोटी रोज़मर्रा की ज़रूरत के लिए जलावन की लकड़ी या जो वस्तुएं हैं वनों से जो प्राप्त होती हैं उन्हें लेने के लिए वनवासी या गांव के लोग जा सकते थे।
वन अधिनियम के प्रभाव। तो आपने देखा जो ये वन अधिनियम लागू है भारत में, उससे प्रभाव पड़ा किन लोगों पे पड़ा? मोटी मोटी सी बात है कि ये जो प्रभाव है ज़्यादातर उन लोगों के लिए था जो इन वनों से जुड़े हुए थे। तो किसान हैं, आदिवासी हैं, ये इससे ज़्यादा प्रभावित हुए, और मजदूर भी। तो भारत में जब वन अधिनियम आए तो उनसे क्या क्या प्रभाव पड़े, तो आप देख सकते हैं कि इससे सबसे ज़्यादा आदिवासियों को ये परेशानी हुई कि जो झूम खेती थी, झूम कृषि थी, उस पर रोक लगा दी गई। आप सभी जानते हैं कि जो स्थानांतरित कृषि होती है उसे ही झूम कृषि कहा जाता है, जिसमें एक जंगल का एक थोड़ा भाग लेकर उन्हें जला दिया जाता है और फिर जो उसकी राख होती है उन पर कुछ काम चलाऊ फसलें उगा दी जाती थी, जिससे अपना भरण पोषण इन आदिवासियों द्वारा किया जाता था। तो इन ब्रिटिश लोगों ने क्या किया, इन आदिवासियों की झूम कृषि पर रोक लगा दी, और जो दूसरा काम किया वो जंगलों के आसपास के लोगों पर शिकार पर पाबंदी लगा दी, यानी जो आसपास के लोग हैं वो शिकार नहीं कर सकते थे, छोटे छोटे जानवरों के जो पशु पक्षी हैं उनका शिकार करने पर पाबंदियां लगा दी गई। लेकिन बड़ी विचित्र सी बात है कि ये पाबंदियां केवल इन लोगों पर ही थी, लेकिन जो उस समय के तात्कालिक बड़े बड़े राजघराने थे, उनके राजा, नवाब और ब्रिटिश अफसर यानी यूरोपीय अफसर, इन्होंने बहुत अधिक संख्या के अंदर जानवरों का शिकार किया। आप जानकर आश्चर्य करेंगे, जॉर्ज यूल नामक अकेले ब्रिटिश अफसर ने 400 बाघों को मार गिराया था। आज की तारीख में यदि कोई किसी जंगली जानवर का शिकार करता है तो उस पर कठोर कारावास होता है, कठोर दंड की व्यवस्था होती है, लेकिन उस समय इन ब्रिटिश अफसरों ने भारतीय जो वन्य प्रजातियाँ थी उनका जमकर उन्होंने शिकार किया और भारत में धीरे 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 कई प्रजातियां लुप्त हो गई। ये आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से जंगल जलाए जाते हैं, ये जंगल का एक भाग जलाता हुआ दिखाया गया है यहाँ पर, और ये एक और तस्वीर है नेपाल के शिकार के बाद लॉर्ड रीडिंग जो थे उनका चित्र है। आप देख सकते हैं नीचे बाघ हैं और इन बाघों में मरे हुए, ये बाघों की संख्या आपको नीचे नज़र आ रही होगी, पास में जो है बहुत सारे और भी लोग खड़े हैं, पीछे आपको हाथी नज़र आ रहे हैं। तो बड़ा सुनने में आश्चर्यास्पद लगता था कि जो ये बाघों को पकड़ने का कार्य है ये गांव के लोग ही करते थे, और इनका एक पूरा एक व्यवस्था होती थी जिसके तहत शिकार के सामने एक छोटा शिकार बांधा जाता था और एक मचान बनाई जाती थी, एक पेड़ के ऊपर एक मचान बनाई जाती थी, और वहाँ पर जाकर जो यूरोपीय अफसर हैं वो खड़े हो जाते थे, और शिकार जब नज़दीक आता था तो उन्हें अपने बंदूक से गोली चलाकर उस शिकार को मार गिराना होता था। तो ऐसे करके ये शिकार किए जाते थे। अब धीरे 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 जो वन्य समुदाय हैं वो इनसे प्रभावित हुए, तो कई तो अपने परंपरागत पेशों को छोड़ के चले गए, कुछ वन उत्पादों का व्यापार करने लगे, लेकिन ये व्यापार बहुत लंबे समय तक चलने वाला नहीं था, क्योंकि कई बड़ी यूरोपीय व्यापारिक कंपनियां जो भारत में आ चुकी थी उन्हें ही इन विशेष इलाकों में वन उत्पादों के व्यापार की इजारदारी यानी उनके एकाधिकार सौंप दिए गए। अब इस पाठ का अगला खंड है वन विद्रोह। वन विद्रोह आप सभी समझते होंगे, ऐसे विद्रोह जो वन में हुए, या इनको ऐसा कह सकते हैं कि औपनिवेशिक काल में जो बदलाव थोपे गए थे उनके खिलाफ जो लोगों ने बगावत की उन्हें ही वन विद्रोह कहा जाता है। अर्थात भारत और दुनिया भर के वन समुदाय द्वारा अपने ऊपर थोपे गए बदलावों के खिलाफ जो बगावत की गई उसे वन विद्रोह कहते हैं। और ये कुछ उदाहरण हैं, जैसे संथाल परगना में सिद्धू और कानू ने किया, छोटा नागपुर में बिरसा मुंडा के नेतृत्व में हुआ, आंध्र प्रदेश में अल्लूरू सीताराम राजू के नेतृत्व में हुआ, बस्तर में गुंडा धुर के नेतृत्व में हुआ,
और जावा में समीन के नेतृत्व में हुआ। अब हम इस अध्याय में जो बस्तर क्षेत्र है वहां पर जो वन विद्रोह हुआ उसके बारे में चर्चा करेंगे। बस्तर जो छत्तीसगढ़ राज्य है उसके दक्षिणी छोर पर अन्य राज्यों से घिरी हुई सीमाओं के अंतर्गत आता है, जहां आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और महाराष्ट्र की जो सीमाएं हैं उससे लगा हुआ क्षेत्र है। यहां कई सारी जो आदिवासी जातियां हैं, मरिया है, मुरिया है, धुरवा है, बतरा है, हलवा है, ये कई सारी आदिवासी जो समुदाय हैं यहाँ पर रहते थे। 1905 में औपनिवेशिक सरकार ने घुमंतू खेती, शिकार और वनों की उपज पर रोक लगा दी तथा दो तिहाई वन आरक्षित करने का प्रस्ताव रखा। इससे बस्तर के लोग प्रभावित हुए। आप देख सकते हैं ये बस्तर का नक्शा है। 1899 और 1900 और तथा 1907 और 1908 में दो बार यहां पर अकाल पड़े। कुछ गांव के लोगों की वन विभाग के लिए मुफ्त में काम करने को उनको जब कहा गया तो उन्होंने ये इजाजत दी गई कि अगर वो मुफ्त में काम करेंगे तभी वे वन में जा पाएंगे। कई लोग घरों से बेघर हो गए और कांगेर जंगल के धुरवा समुदाय के जो लोग थे उन्होंने बगावत कर दी। कहा जाता है कि यहाँ इस समुदाय के गुंडादुर जो थे इस विद्रोह के नेता थे और कहते हैं ये भी हैं कि ये कभी पकड़े नहीं गए। तो ग्रामीण इतना नाराज हो गए कि जब उनके ऊपर ये बंदिशें थोपी गई तो उसका बदला लेने के लिए उन्होंने अपने नज़दीकी जो शहर है वहाँ इकट्ठे होके चले गए जगदलपुर के अंदर और वहाँ जाकर बाजारों को लूटा, अधिकारियों, व्यापारियों, इनके मकानों को जलाया गया, स्कूल और थाने भी जला दिए गए और बगावत बहुत ही ज़्यादा हो गई थी। कहते ये हैं कि जो ये समुदाय के लोग हैं एक गांव से दूसरे समुदाय के लोग जब दूसरे गाँव में पहुँचते थे तो कुछ संकेत उनके पास हुआ करते थे, जैसे मिर्च है, तीर है, इनका प्रयोग किया जाता था और उसके माध्यम से सूचना दी जाती थी। ये बस्तर में 1910 में सेना का कैंप दिखाया गया है। अब आते हैं हम चौथे खंड में जो है जावा। जावा कहाँ है? इंडोनेशिया में। तो यहाँ के जंगलों में किस प्रकार के परिवर्तन हुए वो इस पाठ में, इस भाग में हम देखेंगे। इंडोनेशिया में जावा ही वे क्षेत्र है जहाँ डचों ने वन प्रबंधन की शुरुआत की थी, जैसे भारत में ब्रिटिश लोगों ने की, वैसे डच यानी हॉलैंड के लोगों ने यहाँ पर वन प्रबंधन की शुरुआत की थी। और जब विश्व युद्ध हुआ था उससे पहले जावा में इस क्षेत्र में डच लोगों का ही शासन यहाँ पर था और उन्होंने विभिन्न प्रकार की पाबंदियाँ यहाँ के लोगों पर लगा दी थी। जावा में कलांग समुदाय का जो लोग हैं वो काफ़ी संख्या में थे। ये कुशल लकड़ारे थे और घुमंतू किसान भी थे। डच उपनिवेशकों ने जावा में वन कानून लागू किए और ग्रामीण बंदिशों पर यहाँ पर बहुत सारी जो ग्रामीण लोग हैं उन पर विभिन्न प्रकार की जो बंदिशें हैं वो थोप दी गई। यहाँ ब्लान डोंग डिएस्टियन नामक बेगारी प्रथा चलाई गई, जिसमें क्या होता था कि जो उनके पशु हैं खासतौर से भैंसा उसका उपयोग करके मुफ्त माल की ढुलाई की जाती थी और इस मुफ्त माल की जो ढुलाई है इससे जबरन काम उन लोगों से कराया जाता था। इसका धीरे धीरे विरोध होने लगा तो 1800 में सुरुंतक सामिन जो लकड़हारा था उसके नेतृत्व में यह आंदोलन हुआ और धीरे 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 जो आसपास के लोग हैं वो उसके साथ शामिल हो गए और इन लोगों ने सामिन का पूरा साथ दिया। और सामिन के साथ जब ये लोग इकट्ठे होते थे और कोई वन अधिकारी इनके जंगलों में वहाँ आता था तो ये लेट कर अपना विरोध जताते थे। और जावा के जो जंगल हैं उनके नाश होने का एक कारण और भी देखा जाता है कि जब दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था तो जापानी लोगों ने जब यहाँ पर आक्रमण किया तो उनसे बचने के लिए डच लोगों ने क्या किया, जंगलों में आग लगा दी।
तो इस जंगल में आग लगने से वो लोग छिप गए और वो पकड़ में नहीं आए। इस नीति को नाम दिया गया भस्म करो भागो नीति, यानी जंगलों को बचाओ, जंगल को जलाना है और भाग जाना है, जंगलों को जलाना है और भाग जाना है। ये आप देख सकते हैं जावा का एक दृश्य है, डच ईस्ट इंडीज वानिकी में आए नए बदलाव। धीरे 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 व्यवस्थाएं बदलती गई और अलग अलग देशों के अंदर लोगों ने वनों को अपने संदर्भ में लेना शुरू किया। जैसे भारत में अगर कहें तो मिजोरम से लेकर केरल तक जो जंगल हैं इसलिए बच गए क्योंकि ग्रामीणों ने इनको अपने लिए पवित्र बगीचों के रूप में स्थापित किया। सरना, तेवराकुडू, कान, राई इत्यादि नाम से इन बगीचों को या पवित्र वनों को संबोधित किया गया। और आज की तारीख में जो वन समुदाय है और पर्यावरणविद है वो वन प्रबंधन के वैकल्पिक तरीकों के बारे में सोच रहे हैं। बहुत सारे परिवर्तन वर्तमान समय में आए हैं और जो हमारी सरकार है उसने भी इन समुदायों की स्थिति को देखते हुए और पर्यावरण को देखते हुए वनों में काफ़ी सारी योजनाएं चलाई हैं जिसके द्वारा वनवासियों को भी लाभ हो सके, रोजगार भी मिल सके, स्वावलंबन भी हो सके और वनों का संरक्षण हो सके। ये कुछ प्रसिद्ध पर्यावरणविद है, आप देख सकते हैं इसमें सुंदरलाल जी बहुगुणा आपको नजर आ रहे हैं। और भारत में इनके द्वारा चलाया गया उत्तराखंड में एक प्रसिद्ध आंदोलन हुआ था जिसे चिपको आंदोलन के नाम से जाना जाता है। अब बच्चों आपको सुनने में बड़ा अजीब सा यह नाम लग रहा होगा। इस आंदोलन में क्या होता था कि जब ठेकेदार के आदमी इन जंगलों में आते थे तो गांव के लोग, खासतौर से यहीं की महिलाएं, बच्चे, बूढ़े, ये पेड़ों के साथ चिपककर खड़े हो जाते थे। और धीरे 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 यह आंदोलन बहुत ज़्यादा सक्रिय हो गया और वनों को काटने के लिए जो ठेकेदार होते थे उनमें एक प्रकार से ये संदेश गया कि लोग अपनी जान भी दे सकते हैं इन वनों को बचाने के लिए। ठीक इसी प्रकार की एक छोटी सी कहानी खेजड़ली गांव की भी है जो राजस्थान के जोधपुर में एक छोटा सा गांव है। और सुना होगा बच्चों आपने कभी कि इस गांव में एक बार ऐसा हुआ कि जोधपुर के जो शासक थे उन्होंने अपने कुछ सेनापतियों को या लोगों को भेजा कि आसपास जाकर वो जो है जंगलों से लकड़ी इकट्ठे करें क्योंकि भवन का कार्य राजमहल में हो रहा था। तो वो लोग जब यहाँ पर इस गांव में आए, खेजड़ली गांव में, तो इमरती देवी नाम की एक महिला थी और उनके साथ बहुत सारे और भी लोग थे। उन्होंने अपनी शहादत दे दी लेकिन अपने जीवित रहते हुए इन पेड़ों को कटने नहीं दिया। तो ये ऐसी मिसालें हैं, ऐसे उदाहरण हैं जो ये बताते हैं कि किस प्रकार से लोगों ने अपने जंगलों को बचाने के लिए ना केवल कुर्बानियाँ दी अपितु उन्होंने वनों को बचाने के लिए अपना पूरा प्राण, पूरा जीवन सौंप दिया। ये कुछ महिला पर्यावरणविदों के भी चित्र हैं, वंदना शिवाजी हैं, अरुणा रॉय जी हैं और अरुंधति राय जी हैं। अरुणा रॉय जी को मैग्सेसे पुरस्कार भी मिला हुआ है। आप देख सकते हैं ये चित्र जाना पहचाना हो सकता है आपके लिए। ये भारत के वर्ल्ड मैन हैं, वर्ल्ड मैन अर्थात समझ गए होंगे पक्षी प्रिय व्यक्ति डॉक्टर सलीम अली जी, जिन्होंने भारत में जो स्पैरो या चिड़िया जिसको हम बोल चाल की भाषा में हम बोलते हैं उनके बचाने के लिए अपना पूरा जीवन लगा दिया। और भी बहुत सारी पक्षियों की जो व्यवहार है, आचरण है, उनका अध्ययन किया। और जो भरतपुर सरिस्का के अंदर पक्षी अभयारण्य है यहाँ पर इनका एक डॉक्टर सलीम अली जी के को समर्पित एक छोटा सा म्यूजियम भी बना रखा है। आप देख सकते हैं ये जिम कार्बेट जी हैं जिन्होंने भारत में बाघों के ऊपर कई सारी पुस्तकें लिखी और इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है द मैन ईटर ऑफ कुमायू। और उत्तराखंड में आज भी इनके नाम पर जिम कार्बेट नेशनल पार्क बना हुआ है। बाघों के लिए इन्होंने बहुत काम किया था, हालांकि थे शिकारी लेकिन बाघों के आचरण, बाघों की
व्यवहार, इनके बारे में इन्होंने बहुत जबरदस्त अध्ययन किया था। ये चित्र है रुडयार्ड किपलिंग जी का। रुडयार्ड किपलिंग जी के बारे में आप जानते होंगे, छोटे रहे होंगे तो जरूर आपने टीवी पर कॉमिक, जो एक प्रकार से एनिमेटेड फिल्म आई थी, आप जानते होंगे उसका नाम क्या है, उसका नाम था जंगल बुक। ये उन्होंने लिखी थी और ये भी काफ़ी प्रसिद्ध हुई। तो प्यारे बच्चों, आप देख सकते हैं कि ये जो वन्य समाज और उपनिवेशवाद वाला जो पाठ था, इससे हमें बहुत ही सारी चीज़ों को सीखने को मिला, ख़ास तौर से वन में रहने वाले लोग, वन में रहने वाली वनस्पतियाँ, उनके प्राणी, उनके संरक्षण के बारे में, और सरकार के द्वारा जो कदम उठाए गए और जो परिवर्तन लाए गए उनके बारे में हमने इस पाठ में पढ़ा। धन्यवाद।